हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी माइंड। टेलीकॉलिंग करने में हेजिटेशन होता है, क्यों कंपनीज इतना पुश करती हैं अपने स्टाफ को टेलीकॉलिंग करने के लिए? क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल वे है किसी कस्टमर को अप्रोच करने का। प्लस आप एक जगह पर बैठकर दूर दूर के कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कम समय में ज़्यादा कस्टमर से बात की जा सकती है और सेल्स कन्वर्जन भी बहुत हाई है इसका। वो क्या 5 चीज़ें जो आपकी टेलीकॉलिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकती है? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉल। कॉल के शुरुआत में ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी कस्टमर तक पहुंचाइए और उसे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दीजिए कि आपने उसे फ़ोन किस लिए लगाया है। 2, प्रोबिंग। कस्टमर से ज़्यादा सवाल पूछिए ताकि आप उसकी नीड को समझ सकें, उसकी ज़रूरत को समझ सकें। 3 इज पैराफ्रेजिंग। आपके और कस्टमर के बीच में अगर कुछ भी बात हुई है, जो भी बात हुई है, उसको समराइज कीजिए, संक्षिप्त में समझाइए उसको कि हमने इस बारे में बात की है। 4 है ऑब्जेक्ट हैंडलिंग या फिर कन्वर्जन। कस्टमर को अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेंट है तो उसे रिजॉल्व कीजिए, और अगर आप उसे उस टाइम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइए। कस्टमर से वापस कॉल बैक करके बात करिए, अपने सीनियर्स या कलीग के साथ डिस्कशन करके, और फिर अपने सेल्स को कन्वर्ट कीजिए, अपने बिजनेस को कन्वर्ट कीजिए। एंड 5th इज क्लोजिंग द कॉल। जितना स्ट्रांग और पॉजिटिव आपका कॉल का इंट्रोडक्शन होता है, उतना ही स्ट्रांग और पॉजिटिव आपका क्लोजिंग भी होना चाहिए। कस्टमर को थैंक्स बोलिए और उसके साथ अगर कन्वर्जन में कोई डेट, टाइम और प्रोडक्ट आपने कंफर्म किया तो उसे फिर से दोहराइए और उस कॉल को ख़त्म कीजिए, और ये टेलीकॉलिंग के डर को भी ख़त्म कीजिए। सो स्टे इजी विथ योर माइंड एंड हैप्पी टेलीकॉलिंग एंड हैप्पी सेलिंग।